our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We ride. Good morning, दोस्तों. सुबह जल्दी उठे, 6 बजे, चल रही है अभी नुबरा के लिए खारदुंगला टॉप होते हुए. एंड गाड़ी पूरी गंदी है, मतलब धुआते नहीं है, ऐसी की ऐसी रहेगी, फिर गंदी होगी. यहाँ से लेते हैं अलविदा. 20 तारीख होगी आज, 20 जुलाई ना. तो नहा धो के फिट हैं दोनों, सचिन भी रेडी है, निकल रहे. कितना टाइम हुआ है अभी? 8 बजे गए, 7-8 बजने वाले हैं. तो निकलते हैं गाइस यहाँ से. पॉल गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, ये है जिसमें हम रुकते हैं, बिल्कुल माल रोड के पास. तो चलते हैं. एप्पल देखो, ग्रीन एप्पल छोटे छोटे. ये गार्डन एरिया है. तो चले, लेट्स गो. सो गाइस, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे. ये है अपनी ले सिटी, जो ऊपर से इस तरह से दिखती है पूरी. नीचे पूरा ग्रीनरी एरिया है और ये लेह के पहाड़ है. ये सामने आप देख रहे हो, ये लेह पहले से, यहाँ पे लेह का राजा रहता था. बाकी अभी हम नुबरा की तरफ जा रहे हैं, नुबरा वैली की तरफ. अभी खारदुंगला आएगा तो टॉप दिखाते हैं आपको. तो फाइनली दोस्तों, पेट्रोल करा रहे हैं फुल, मतलब 4 डंडे थे, फुल करा लेते हैं. फिर भी मेरे को लग रहा पूरे 2000 रुपये का कट मार गया. तो दोस्तों, GoPro कर दिया स्टार्ट और GoPro की हमारी है पहली वीडियो. रास्ते पहले से बहुत खराब है, जो नुबरा खारदुंगला टॉप के लिए जा रहे हैं. ये देख लो, मतलब रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा और ख़राब थे. साउथ कुल्लू बचा है 1 किलोमीटर सिर्फ. कुछ जो वीडियो, क्योंकि मेरा आईफोन भी भर जाएगा, अभी सिर्फ 55 GB बचा है उसमें. तो रील, फोटो वोटो, ये सब कुछ वीडियो उससे भी बनाऊंगा, और इससे तो चलेंगी, क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा हो रहा है. अभी जा रहे हैं नुबरा, एंड उसके बाद जाएंगे पेंगोंग लेक, देन अपना फिर वापसी घर के लिए निकलेंगे. कसोल भी आई थिंक ट्रिप बन रहा है कि कसोल भी जाएंगे. कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का काम BRO बहुत जोर शोर से चला रही है. तो दोस्तों, यहाँ से पूरा व्यू देख लो, पूरा ले चमक रहा है नीचे. फोन में आएगा शायद, इसमें नहीं आएगा. अरे कहाँ फंस गया, टोपी फंस गई. सो फाइनली पहुंच गए खारदुंगला टॉप. 17,982 की फिट है समुंदर लेवल से खारदुंगला. दोस्तों नॉर्थ पुल्लू आ गया है. नॉर्थ पुल्लू 15,300 फिट की हाइट पे है. एंड ये कुछ व्यू है, नेटवर्क फुल है यहाँ पे. रिकवरी पोस्ट पूरा नॉर्थ पुल्लू में फौज पड़ी हुई है. देखते हैं नीचे. वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू.
उस पर नॉर्थ कुल्लू में नदी है छोटी सी, और थोड़ी सी ग्रीनरी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे दिखता नॉर्थ कुल्लू। और 10:30 बज गए हैं, देखें सुबह के 10:30। तो दोस्तों मैगी आ गया, इसको बोलते हैं वेज मैगी, 70 रुपीज़। और सचिन भाई का आ रहा है ब्रेड ऑमलेट, 80 रुपीज़। और दो चाय, आई थिंक पता नहीं चाय 20 रुपये होगी। मैं कह रहा हूँ मजाक ना कर रहा मैं। तो करते हैं मैगी टेस्ट, देखता हूँ कैसी है मैगी। तू तो मजाक मान रहा बिल्कुल हर बात की। मस्त है, अच्छी है, जा रहेगा 2-3 पैकेट। कैसा ब्रेड ऑमलेट? ठीक है। सचिन भाई कह रहा है ब्रेड ऑमलेट स्वाद है। वीडियो क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अभी 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है नुकरा का, 10 किलोमीटर बचा है खारदुंग विलेज। और क्या लैंडस्केप है, वो कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं। आई मीन वाओ। दोस्तों खारदुंगला विलेज आ गया है। ये है खारदुंग विलेज, कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। खारदुंग विलेज 14,731 की हाइट फिट। तो गाइस यहाँ की जो हाइट है 14,731 फिट समुद्र लेवल से। बस अड्डा तो दोस्तों ये सामने जो रास्ता जा रहा है यहाँ से, ये तो जा रहा है सीधा पेंगोंग लेक के लिए, और यहाँ लेफ्ट से हम जा रहे हैं नुब्रा, सियाचिन को जो जाता है रास्ता, सियाचिन बेस कैंप, सियाचिन और नुब्रा वैली तुरतुक। फौज का कॉन्वे चला हुआ है, बुलाया गया है। थोड़ा सा और दाब ले नीचे को, वहाँ स्पेस जाते हैं कैसे क्लोजिंग में। यहाँ से 24 किलोमीटर यानी कि 40 मिनट का रास्ता बचा है कुल। तो दोस्तों ये है खालसर, यहाँ आर्मी के भी कैंप है एंड काफी बड़ा है। सियाचिन के लिए रास्ता भी जाता है, वहाँ पे पुल जो दिख रहा है। अभी 20 किलोमीटर का तो रास्ता बचा है, 20 किलोमीटर करने के बाद हम पहुंचे हैं डिस्किट नुब्रा अंडर। तो दोस्तों ये देख लो सीधा जो ब्रिज, कहाँ है ब्रिज, कोई नहीं दिख रहा, दूर है अभी थोड़ा सा, अभी नहीं दिख रहा ब्रिज। तो ऐसे दिखाता हूँ, ये लेफ्ट में जा रहा है नुब्रा जा रहा है, और राइट में जो बसे जा रहा है डिस्किट सुमरो पनामिक।
पानी, एंड जो सीधा सामने जा रहा है पुल सा दिख रहा है आपको, सीधा स्ट्रेट वो ग्लेशियर जा रहा है, पनामिक सियाचिन ग्लेशियर, और हमने जाना है यहीं से लेफ्ट। सचिन यहीं से लेफ्ट लेना है, बिस्किट परतापोर, पर उस वाले रास्ते पे जाने वाला नहीं है लोकल लोगों के लिए, मगर सिर्फ पेट्रोल पंप है। सीधा निकाल, कहाँ ले जा रहा हूँ दोस्तों। अभी बचा है डिस्किट 15 किलोमीटर डिस्किट मोनेस्ट्री, और ये है लद्दाख का सैंड ड्यून्स, लद्दाख का राजस्थान। जब के नजारे दोस्तों, ऐसे ही नजारे दिखाते रहेंगे आपको, बने रहें वीडियो में लगातार, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों ये है नुब्रा वैली, पूरी की पूरी नुब्रा वैली दिखाई दे रही है आपको। रास्ते थोड़े जर्जर हालत में है, और हमारे सचिन रस्तों के जर्जर हालत से लोहा लेते हुए नुब्रा वैली के कुछ गजब से नजारे ये देखो। इसमें शंडून भी है जो रेतीला एरिया होता है राजस्थान जैसा, वो भी है, और तोकू बढ़ के ऊंट भी हमें दिखाई देंगे यहाँ पे, याक भी दिखाई देंगे। चलते हैं, अभी बचा है सिर्फ प्लान चलने के बाद फिर आगे ऑफ रोडिंग, और नीचे देखो गाइस कैसे नज़ारे दिख रहे हैं, कितनी हाइट पे पहुंच गए हम, कोई गांव दिख रहा है। काम चल रहा है, बीआरओ करा रही है काम, आने वाले समय में हो जाएगा ठीक। दोस्तों रास्तों की हालत बहुत ख़राब है भाई, और सामने बस 5 किलोमीटर बचा है इसके, सामने वो ऊपर पहाड़ी पे दिखने लगी नहीं दिख रहा, वो बौद्ध धर्म की बड़ी मूर्ति, देखते हैं ड्रोन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। लेह में तो इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि वहाँ पे क्या होता है नो फ्लाई जोन है, एयरपोर्ट की वजह से नो फ्लाई जोन होता है पूरा लेह में, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यहाँ तो उड़ेगा, जरूर उड़ेगा, हवा भी नहीं है, तेरी जर्जर हालत है रोड की, बहुत बुरी हालत है रे। लगातार इस रोड पे हम सचिन आधे घंटे से चल रहे, 20 मिनट से ज़्यादा ही चल रहे हैं। स्पीड दिखा दो, 20 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही गाड़ी। अरे बाबा, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ नदी है, श्योक रिवर, दिस इज कॉल्ड श्योक रिवर। अब ये पता नहीं पाकिस्तान में जाती है तुर्क से निकल के, शायद पता करके आते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर डिस्किट मोनेस्ट्री है, यहाँ से ले जाया जाएगा, ये वाला रास्ता जा रहा है, ये सीधा जा रहा है हुंडर। चल चलो वेट कर रहा है, घुस गए मोनेस्ट्री के गेट में, थोड़ा ऊपर जाके मोनेस्ट्री है, हम सम 1-1.5 किलोमीटर यहाँ तक भी जाएगी चलेगी। पता नहीं टिकट क्या सिस्टम है, राइट में तो मोनेस्ट्री जा रहा है और ये स्टैचू पे जा रहा है लेफ्ट में।
ऊपर ही जा रहे हैं हम। 40-40 रुपए की वही पर्ची पहली बार कटी है। बनता है। अब कौन से जाना है, इधर जाना है? ऊपर जाना है, चलता है। दो रास्ते हैं, जाने दें फिर। ये लो जी आ गए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा जी। तो बैक से बट हम राइट कर लेंगे यहाँ तक कि बस उसके ऊपर पैदल जाना पड़ेगा, चले जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए, स्टैच्यू पे पहुंच गए भाई। इधर से देखो कैसी लगती है स्टैच्यू। हेलो भाई, झूले जी, ओम मणि पद्मे। आ गए अंदर, जंगली गधे देख लो, देख। अब हम देखते हैं घूमने घामने का कहाँ पे है। ये देखो गाइस, यहाँ पे सैंड ड्यून्स, जैसे राजस्थान में होता है सैंड ड्यून्स, फिर वहाँ की लाल मिट्टी है, यहाँ की अलग है, पूरा रेत ही रेत है। और इसमें हम अभी ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं, जाते हैं आगे देखते हैं कहीं कैंप का जुगाड़ होता है तो कैंपिंग करते हैं। तो दोस्तों पहुंच तो गए हैं अंडर, सैंड ड्यून वैंड ड्यून सब सीए ही है, तेरा रेत ही रेत है चारों तरफ। अब सवाल ये बनता है हम अपना कैंप कहाँ लगाएंगे, पूछ लेते हैं पहले, कभी यहाँ ड्रामा हो जाए। दोस्तों फाइनली हमारा सिस्टम रुकने का होगा अंडर में, पहली बार स्विमिंग पूल भी देख रहे हैं, यहाँ नहाएंगे अब और टेंट भी लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेंगे टेंट। खाने खुने का किचन विचन सब है, मेरा बियर वियर भी सब भाई ला के दे देंगे, मज़ा आने वाला है। सांझ को पूरा रिलैक्स होके तसल्ली से मजे ही मजे, जहाँ भी मन करेगा टेंट लगा देंगे। देखो जबरदस्त व्यवस्था फुल है, नहाते हैं फिर। हाँ कैसा रहा, है जबरदस्त? कहाँ लगाएंगे हम टेंट? टेंट तो कहीं भी लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। अच्छा तो गाइस रेस्ट कर रहे हैं यहीं पे, सामने टेंट लगाएंगे शाम को। वो स्विमिंग पूल में नहाया था अभी मैं, नहाने के लिए अपना लेट रहे हैं, अपना दो एक घंटे आराम करेंगे। ये सामने के नज़ारे, वाओ क्या मज़े ही मज़े। तो दोस्तों पकोड़े आ गए, वेज पकोड़े, ये
चटनी है तीन तरह की, कौन कौन सी है, सॉस है, मियोनी है और ये भी सॉस ही है, ये चटनी है तीखी चटनी। और हाँ जी नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा कहाँ आ गए, कौन से इलाके में आ गए ये। इससे तो पेंगोंग चले जाते तो ही ठीक रहता, आ गए या स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं पहाड़ों में आके, कुछ स्विमिंग पूल में नहाए एंजॉय कर रहे हैं, बट कैंपिंग लगे तो नया नहीं है, पहाड़ों में आके भी स्विमिंग पूल में नहाना पड़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों टेंट लगा के कर दिया तैयार, और मैट बिछेंगे अभी, इसमें टेंट लगा दिया हमने, दोनों भाई इसमें ही सोएंगे। हे भगवान नुबरा, बस मन तो नहीं लग रहा पर अपना टेंट वेंट लगा के फिर खाना वाना पकाएंगे, क्योंकि समय से आने का ये फायदा होता है, जल्दी लगा लो अपना, है सचिन, हाउ इज द फीलिंग? हाँ अब से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके ओके यहाँ के तो बोल ही नहीं रहा कुछ। चेयर की तो जरूरत नहीं है, पहले पहले एक डाल लूँगा, रुक जा, ऐसा टेंट लगा भाई, सो तो जाएंगे बढ़िया आराम से दोनों, है ना, बालियान को वीडियो कॉल जरूर करूँ, मेरा थर पे ना लगे, धूप चली गई भाई, अभी मैट बिछा देते हैं, सचिन ने बेचारे ने मैट भी बिछा दिए, मैट क्या क्या हुआ, सिद्ध तो कर लेता है ना, इस पे बनाया था पिछली बार हानले में हमने वो चिकन अंदर ही, तो भारी बन जाएगा, हवा कौन सी चल रही है, हवा तो नहीं चल रही पर अब चलेगी, यानी चले कुछ भी है या तो मुझे लगा बर्फ भी झूठ बोलते होंगे, पड़ती होगी, पड़ती तो होगी, ऐसे तो भी बात नहीं, ये तो कच्चा सूख रहा मेरा स्विमिंग पूल में नाक, टेंट लगा के चल देंगे शैंडून की तरफ, है ना, ठीक है। और अब कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, उससे पहले कल ले लेंगे जूस, उससे पहले हम ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको, तो अब ड्रोन शॉट का मजा लो गाइस, पुम दोस्तों, चिकन बना रहे हैं, प्याज काट दी सचिन ने, तेल घेर दिया, ये रखा चिकन, सॉरी बटर एंड ये टेंट लग रहा है, ये सैंडी नुब्रा फंडर एंड सचिन चारा लगा हुआ है। सो दोस्तों ये देखो, रात के बजे हैं 7:53 और अभी भी चांद ना है, ये देख लो पूरा चांद ना है, यहाँ से सनसेट हुआ था, फिर भी हमने लाइट वाइट खुलवा ली, और ये हमारा फ्री में टेंट लगा है, बस स्विमिंग पूल में नहाने के हमने 100 रुपये दिए, यहाँ स्विमिंग पूल है बढ़िया प्यारा सा। तो फाइनली दोस्तों चिकन हमारा रेडी है, और चावल सामने है, चुना चुना हुआ है, बियर का मग, और ये बात ही। तो फाइनली गाइस चिकन में टेस्ट आ रहा है, बियर बट का जी, ज्यादा हां भाई, बट का मतलब मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया, बट का मतलब कि भाई बोलते हैं, मतलब कैसे जैसे हम बोलते हैं।